मंडी में स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी महासंघ ने रेड क्रॉस सोसाइटी को लेकर कई सवाल खड़े किए। महासंघ का आरोप है कि रेड क्रॉस सोसाइटी मंडी दूसरे जिलों की तुलना में ईसीजी की फीस 30 की जगह ज्यादा वसूल रही है। साथ ही महासंघ ने आरोप लगाया कि जोनल अस्पताल मंडी में रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा जो डिजिटल एक्सरे करवाए जाते हैं उसके 100 से 120 वसूले जा रहे हैं, जबकि रेड क्रॉस का रेट कम होना चाहिए। इस विषय को लेकर स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी महासंघ का एक प्रतिनिधि मंडल महासंघ के प्रधान अमरजीत की अध्यक्षता में उपायुक्त मंडी से मिला और इस प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त से जोनल अस्पताल मंडी में रेड क्रॉस सोसाइटी व अन्य सोसाइटियों द्वारा स्थापित किए गए विभिन्न अनुभागों से होने वाले आय के लाभ का आधा हिस्सा स्थानीय अस्पताल रोगी कल्याण समिति को देने की मांग भी उठाई। आज हमने उपायुक्त महोदय को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें हमने उपायुक्त महोदय से मांग की कि जोनल अस्पताल मंडी में जो रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा एक्सरे व ईसीजी किए जाते हैं उनके रेट बहुत ज्यादा हैं। हिमाचल प्रदेश में सभी जिलों में ईसीजी के 20 से 30 रुपए लिए जाते हैं और मंडी अस्पताल में ईसीजी करने के 100 रुपए वसूले जाते हैं। इसी तरह जो डिजिटल एक्सरे है वो मंडी अस्पताल के अंदर 150 रुपए में होता है और अस्पताल के बाहर 100 से 120 रुपए में हो रहा है। तो हमने मांग की कि रेड क्रॉस सोसाइटी वैसे भी गरीबों की हेल्प करने के लिए बनी है तो इस कारण जो है उसके रेट कम होने चाहिए ना कि ज़्यादा। और साथ में हमने ये भी मांग की कि अस्पताल में जो रेड क्रॉस सोसाइटी है और दूसरी अन्य सोसाइटी हैं उनके द्वारा विभिन्न अनुभागों से जो आय होती है उसकी आय का जो प्रॉफिट है उसका 50% हिस्सा जो है अस्पताल के रोगी कल्याण समिति को मिलना चाहिए, क्योंकि जो सोसाइटियाँ हैं वो अस्पताल की बिल्डिंग प्रयोग में लेती है तथा साथ में बिजली का बिल भी अस्पताल प्रशासन को ही देना पड़ता है।